सब तो पहला मैं खालसा पंथ नूं समुचियां सिख संगतां नूं होले महल्ले दे पावन तिहार जो 2022 दा होला महल्ला चल रहा है उस दीआं बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। होला महल्ला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप बख्शिश करके सिख संगतां नूं दित्ता सी जदों खालसा पंथ नूं दी साजना कीती 1699 विच ਤੇ 1700 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ जो जिमें 14 तरीक न आरंभ होया सी अज उसकी समाप्ति हुई है। खंडपुर साहब के भोग पाए गए हैं, कीर्तन होया, उपरंत सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने गुरमत विचारां दी सांझ पा के होले महल्ले की जो आरंभता हुई उसकी महत्ता बारे दस्या। इस तो अगे कल तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे इस होले महल्ले की आरंभता हो जा रही है जो 17, 18, 19 तीन दिन वास्ते होला महल्ला उत्थे चलेगा। बड़े वड्डे गुरमुख समागम तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे हो रहे हैं जिस विच बहुत ही पांदे महान गुरु घर के कीर्तनीए महान विद्वान ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, भाई जसवंत सिंह जी, परवाना सिंह साहब, इस तरह बलजीत सिंह जी, भाई हरपाल सिंह जी, होर बहुत वड्डी गिणती विच विद्वान पुरश उस मौके उत्थे पहुँच रहे हैं। गुरु घर के महान कीर्तनीए दरबार साहब के हजूरी रागी उत्थे पहुँच रहे हैं, रागी ढाडी उत्थे पहुँच रहे हैं, कवि सज्जन उत्थे पहुँच रहा, बड़ा वड्डा कवि दरबार 18 तरीक शाम को जिहड़ा कीता जा रहा। इस संबंध में जो संगतां बड़े वड्डे पद्धर ते जिस तरह प्रशासन का अनुमान है कि 35 तों 40 लख के करीब जिहड़ियां संगतां इत्थे पहुँच रही इस बार, उन्होंने वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े वड्डे प्रबंध किए गए हैं। रहायश के जिथे प्रबंध सरावान साढ़े कोल है उन्होंने नाल नाल असी टेंट सिटी का प्रबंध किया क्योंकि सरावान भावें असी 10 होर बना लईए प्रबंध नहीं हो सकता। संगतां लखां दी गिणती विच आउंदियां, साल दे विच इक वार प्रोग्राम हुंदा, इस वास्ते सरावां जो रूटीन दे मुताबक जिहड़ियां उह बड़ियां हुंदियां। सो इस दे नाल जो 250 तों वध लंगर जिहड़ा इस इलाके विच उह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों पास कीता जांदा, होर वी महापुरश संपर्दावां लंगर बहुत लाउंदियां, उहनां लई सारा बालन का प्रबंध, उहनां लई गैस का प्रबंध, उहनां लई टेंट का प्रबंध, थां उन्होंने सारी मुहैया कराई जाती है, पानी का प्रबंध उन्होंने दिता जाता है। इस दे नाल जो मैडिकल कैंप है 40 तों 50 के करीब मैडिकल कैंप खूनदान कैंप इत्थे लगते हैं ता जो किसी किस्म की कोई घटना वापर जाती है, कोई बीमार हो जाता, कोई होर गल हो जाती शरीर तौर पर, कोई दुख आ जाता है तो उसनू जिहड़ी मदद देने वास्ते ये मैडिकल कैंप लगते हैं। अते इस दे नाल पानी दीआं छबीलां, पानी के टैंकर बहुत वड्डे पद्धर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों संगतां वास्ते प्रबंध किए जाते हैं। इस दे नाल ही एक सब तो जिहड़ी अहम गल है वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल संगतां दे वास्ते एक बीमा कराया जाता है ता कि किसी किस्म की कोई दुर्घटना हो जाए। अज ही बहुत वड्डा एक्सीडेंट होया, रात 3 नौजवान जिहड़े आ उह ट्राली दे नाल टकरा के उन्हां दा मोटरसाइकल उह 3 चढ़ाई करके, तो इस वास्ते उन्हां दे परिवारां नूं मौके दे फौरी मदद देने वास्ते ये 1 लख रुपए की रखी गई है सेवा। अते जे कोई जख्मी हो जाए तो उन्होंने 25 तों 50 हज़ार के जिनी लोड़ मुताबक उस जी है वह मदद की जाती है। ये 20 किलोमीटर के घेरे अंदर जोड़ी संगत जी होएगी, जो उस अंदर अंदर कोई योजी घटना वापर जाती है आनंदपुर साहब के 20 किलोमीटर चारे पासे उत्थे उन्होंने ये मदद की जाती है। सो गुरु प्यारी संगत आप तो इस होले महल्ले में आईए तो सब तो ज़्यादा जरूरी गल है कि ये खालसा ही जाहो जलाल का प्रतीक है। सतगुरां ने खालसे के जो खालसाई जाहो जलाल नूं लोकां विच दुनिया विच जिस ढंग नाल प्रफुल्लित कीता, आपां अज की करदे आ कि ट्रैक्टरां दे मोटरसाइकलां दे सरंसर ला के उच्चियां आवाज़ां करके डैक ला के आपां इत्थे आउंदे आ, लोड़ ते आ सानूं आ के इत्थे बैठीए, कथा कीर्तन सुणीए, बाणी नाल जुड़िए, आपां अमृतधारी होईए, 5 ककारां दे धारनी बणीए, 5 बाणियां दे नितनेमी होईए, शस्त्रधारी होईए अते गुरु की बाणी दा नाल प्यार करिए। ये ता होले महल्ले दा सानू इत्थे मनाउण दा लाभ है। ये नहीं कि आप आईए आ मेलियावांगे इत्थे असी नचदे टपदे कलकारियां पाउंदे, उन्हां गल्लां नाल मेले नहीं मनाउण वाले,
इस वास्ते साडे च बहुत वड्डा निघार आ रहा साडे परिवारां विच्चों साडे समाज दे विच्चों साडे पिंडां विच्चों सिक्खी खत्म हुंदी जांदी आ असीं दोष दूजे लोकां नूं दिंदे आ संस्थावां नूं दिंदे आ लेकिन इस गल की अलख तक घर घर जगाउणी पैणी आ जे घर विच कोई बजुर्ग सियाणा बैठा उह अपने बच्चों नूं समझाए माता समझाए पहला मावां भैणां अपने छोटे बच्चों नूं समझाउंदियां हुंदियां सी लेकिन हुण थोड़ा जिहा अजकल दुनिया के रंग तमाशा अं ज़्यादा उलझे जाने सो होला महला बहुत महान इतिहासक दिहाड़ा जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू बख्शिश किया तो यह भी कहा कि जो खालसा पंथ होले महल्ले के मौके पर श्री आनंदपुर साहब जुड़िया करेगा मैं बिच होया करा सो भाई बहुत वड्डा ये त्यौहार है मैं समुचिया संगतां नूं वधाई दिना धन्यवाद करदा चैनल वाले वीरां दा जिहड़े इस गल नूं अपने माध्यम के राही संगतां तक पहुँचाउण दा यतन करदे आ ਭੁਲਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।